नमस्कार दोस्तों, मैं रमेश कुमार सैनी। दोस्तों आप देख रहे हो राज न्यूज़। दोस्तों आज हमारी टीम खंडला की 5 स्कूलों, इंदिरा स्कूल, विवेकानंद स्कूल, सुबोध स्कूल, टैगोर स्कूल व प्रेरणा स्कूल में जाएगी। वहां पे छात्रों से भी बात करना चाहेगी, स्कूल संचालकों से भी बात करना चाहेंगी कि वह मास्क को लेकर कितने क्या प्रेरित हैं और लोगों को क्या कहना चाहेंगे, मास्क लगाना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जो पास में बेल आइकन है उसे दबाकर आल पे कर दें ताकि मेरा जो भी कोई नया वीडियो आए आपको सबसे पहले देखने को मिल सके, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियो बनाता रहता हूँ। इधर से जा रहे थे, सोचा है लेकर आप कितने चिंतित हैं। सबसे पहले तो आपका आभार हमारे स्कूल वाले के लिए। देखिए फिलहाल एग्ज़ाम चल रही हैं और एग्ज़ाम के दरमियान भी हमने पूरी जो सावधानियां हैं वो पूरी सावधानियां बरत रहे हैं। प्रत्येक कक्षा कक्ष के सामने सैनिटाइजर की बोतल है और हमारे यहाँ ये जो मशीन है सैनिटाइजर छिड़काव की, प्रत्येक कक्षा कक्ष में छिड़काव भी किया जाता है और सोशल डिस्टेंस के साथ बैठा करके एग्ज़ाम ली जा रही है और जो भी गवर्नमेंट की नियम वो शर्तें हैं वो पूरा पालन किया जा रहा है उनका। बहुत बढ़िया तरीके से आइए, आपको एग्ज़ाम हॉल में चल करके जो हमारी सीटिंग है वो दिखाते हैं किस प्रकार से हम एग्ज़ाम ले रहे हैं सोशल डिस्टेंस के साथ। प्रत्येक बच्चा मास्क लगाए हुए हैं, स्टाफ के लिए भी नेसेसरी और बच्चों के लिए भी नेसेसरी है मास्क, और बाकी सोशल डिस्टेंस का पूरा ध्यान रखा जाता है स्कूल टाइम में भी और एग्ज़ाम टाइम में भी। ठीक है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कविता गुजर। आप रोज़ मास्क लगा के आते हैं? यस सर। और आप और लोगों को क्या कहना चाहेंगे कि मास्क को लगाना चाहिए? हाँ, मास्क को लगाना चाहिए हमें। कोविड से बचने के लिए मास्क का प्रयोग करना चाहिए। हमारी दूसरी लहर में हमारी दादी का देहांत हो गया, इस दुख से हम गुजर चुके हैं, इसलिए मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम लोगों को मास्क लगाकर रहना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग का। बिना मास्क के विद्यालय में कोई बच्चा नहीं है और उसका पूरी पालना कर रहे हैं। सैनिटाइजर वगैरह उपलब्ध नहीं है, बच्चों को हाथ वगैरह धुलवाते हैं, हर टंकी के पास में साबुन रखा हुआ है और बच्चों को कोई भी आपस में चीजें पार्टिसिपेट नहीं करने देते हैं और बच्चे इसका पूरी तरीके से पालन भी कर रहे हैं। और हमारा स्टाफ को इतने विशेष तौर से हिदायत दे रखी है कि इस कोरोना का जितनी हम गाइडलाइन का पालन करेंगे तभी इससे बचा जा सकता है, अन्यथा ये भयंकर रूप ले सकता है, इसकी सावधानी बहुत जरूरी है। धन्यवाद। नमस्ते सर जी, सबसे पहले तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी साहब धन्यवाद कि आप हमारे मतलब आपका चैनल लेकर के आप लोग हमारे विद्यालय में पहुँचे हैं और स्वागत है आपका इंदिरा स्कूल में। सर आप बताना चाहेंगे कोविड के कारण क्या आपने सावधानी बरत रहे हैं? विद्यालय में कोविड के कारण हम लोग सभी विद्यार्थियों को ये सलाह देते हैं कि मास्क घर से लेकर के आएँ और नहीं तो विद्यालय में उपलब्ध करवाते हैं और प्रत्येक विद्यार्थी मास्क लगा करके ही विद्यालय में रहता है और हमेशा ये कहते हैं रास्ते में भी मास्क लगाओ, सब जगह मास्क लगाओ। और मास्क हमने विद्यालय में अनिवार्य कर रखा है, अध्यापक हो, टीचर्स हो, अभिभावक हो, जो भी आते हैं विद्यालय में बिना मास्क के एंट्री नहीं देते हैं। साथ में सैनिटाइजर का प्रयोग किया जाता है, क्लासरूम भी समय समय पर सैनिटाइज करते रहते हैं और सोशल डिस्टेंस का जो गवर्नमेंट के नियमों के अनुसार जो भी गाइडलाइन आती है विद्यालय उसकी पालना करता है और इस समय विद्यालय बहुत बढ़िया चल रहा है। लंबे अरसे के बाद में विद्यार्थी भी पढ़ाई के प्रति उनका रुझान बढ़ा है और वो चाहते हैं कि नियमित हम विद्यालय में आए, किसी प्रकार की कोई अनावश्यक छुट्टी भी नहीं हो। विद्यार्थी पहले की तुलना में ज़्यादा अध्ययन कर रहे हैं। और सर आप बताना चाहेंगे कोविड के कारण कुछ चेंज हुआ है तो अभी प्रयोगशाला भी चालू है आपके स्कूल? हाँ, कोविड के कारण से ऐसा कुछ नहीं है कि पढ़ाई में कोई अब बाधित नहीं है, हमारी ऑफलाइन क्लास समय। तो सर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद आपको भी अपने विद्यालय में आज पधारने का। देखिए हमारे विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन किया जाता है, बच्चों को मास्क के लिए बता रखा है और सैनिटाइजर करवाया जाता है, सभी बच्चे डिस्टेंस से बैठते हैं और सभी जो गाइडलाइन है उनका पालन जो है बच्चे कर रहे हैं। सर हम इसको आपकी क्लास रूम देखना चाहेंगे। हाँ बिल्कुल, देखिए आप, परीक्षा चल रही है सेकेंड पारी की, 9th और 11th की क्लासें हैं और 12th के चित्रकला के स्टूडेंट भी हैं, आप देखिए आप। सबसे पहले तो धन्यवाद आप हमारे चैनल पे जुड़े हो। हाँ आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आप यहाँ जो हमारे स्कूल में आए हो आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप बताना चाहेंगे कि मास्क को लेकर स्टाफ में क्या स्कूल में क्या सुविधाएं कर रखी हैं, क्या नेसेसरी है? मास्क प्रत्येक बच्चा घर से जब आता है मास्क लगा के आता है, यदि कोई बच्चा यदि मास्क लगा के नहीं आता है तो उसको स्कूल से मास्क प्रोवाइड करवा दिया जाता है और सभी स्टाफ साथी भी मास्क लगा के आते हैं और नहीं लगा के आते हैं
तो उनको यहाँ से ओपी से प्रोवाइड करवा दिया जाता है। और सर सैनिटाइज की क्या व्यवस्था रहती है? सैनिटाइज ये कि 15 दिन से हर पूरे स्कूल को सैनिटाइज किया जाता है। सर हम स्कूल के कमरे देखना चाहेंगे, सीटिंग व्यवस्था देखना चाहेंगे। ज़रूर आप सीटिंग व्यवस्था देखिए और पूरा अरेंजमेंट दिखा देते हैं। मास्क लगाते आते हो या आज ही लगवाया? मैं रोज़ मास्क लगा के जाती हूँ, पार्क जाती हूँ तो भी मास्क लगा के जाती हूँ और हमेशा मास्क लगा के रखती हूँ। और लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि मास्क लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए? मैं लोगों को ये संदेश देना चाहती हूँ कि रोज़ मास्क लगाए बिना बाहर ना जाए, ये अपनी खुद की सुरक्षा है।